Hello students, I am your English teacher Divya Srivastava, and today in English grammar we are going to start a new chapter. Topic है आज का वो है हमारा tense. ठीक है, आज हम tense पढ़ने वाले English grammar में. Tense जो है बहुत ही important एक आपका chapter है, lesson है. Grammar में अगर बात की जाए English grammar की, without tense आप कोई भी sentence form नहीं कर सकते, frame नहीं कर सकते. ठीक है, तो जान लेते हैं टेंस होता क्या है. अगर टेंस को हिंदी में बोले तो टेंस को बोलते हैं काल. क्या बोलते हैं? काल यानी कि समय. ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं. टेंस आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन. एक्शन मतलब कोई भी चीज, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, वो किस समय पे हो रहा है, उस समय को जो वर्ड आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम टेंस बोलते हैं. ठीक है, अभी जो टेंस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये आपके थ्री टाइप के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस. ये देखिए, तीन टाइप के टेंस मैंने आपको बताए हुए. एक हमारा हो जाता है प्रेजेंट, एक हमारा है पास्ट, और एक हमारा है फ्यूचर. ठीक है, टेंस विदाउट टेंस मैं आपको बता रही हूँ फिर से. आप कोई भी, आप जैसे आपको इंग्लिश बोलना है, आपको इंग्लिश लिखना है, आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, टेंस में सब कुछ आता है, कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, कैसे कौन से किसमें वर्ब लगाएंगे, कब नाउन किसके साथ, कौन सा प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब जाएगी, ये सारी चीजें आपको टेंस में पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है उसको मिला के हम पूरा एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, और ये इसके टाइम यानी कि एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज किस टाइम पे हो रही है. ठीक है, अब जो टेंस है तीन टाइप के हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान यानी कि करंट. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी करंट की सिचुएशन है कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में ये चीज चल रही है, तो ये सेंटेंस हमारा जो होगा ये प्रेजेंट में आएगा. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान. विच एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग, जो कि करंट में चीज हो रही होती है. ठीक है, या कोई हैबिट होती है कि जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, इससे क्या एक तरह की हैबिट है, ये रिपीटेशन में, ये आज भी हो रही है, ये कल भी हो रही है, ये परसों भी होगा. मैं आपको आज ही पढ़ा रही हूँ, कल भी पढ़ाऊंगी, तो ये रिपीटेशन में आपको पढ़ाती हूँ, तो ये भी तय है एक रिपीटेशन में एक हैबिट है, जिसको हम प्रेजेंट में बोले कि मैं आपको पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में आएगा. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी ये चीज करंटली चल रही है प्रोसेस में, तो ये भी क्या आएगी, आपकी प्रेजेंट में आएगी. ठीक है, अब अगर बात करें पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस को अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो पास्ट में चीजें हो गई हैं. ठीक है, उसमें जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है. विच एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो एक्शन, जो कोई बात है, कोई इंसिडेंट है, वो पहले ही हो चुका है. ठीक है, तो उसको हम पास्ट टेंस में कहेंगे. फिर आता है आपका फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि कल, यानी कि कल, यानी कि भविष्य काल. ठीक है, विच एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस, जो कि एक्शन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा है, वो आगे भविष्य में होगा. ठीक है, फ्यूचर में होगा, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में फ्रेम करेंगे, फ्यूचर टेंस में उसको हम सेंटेंस को बनाएंगे. मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि कोई भी चीज होती है, हम अगर बात करें तो दिन हमारे क्या है, आज यानी कि टुडे, टुडे उसके बाद क्या होता है, यस्टरडे यानी कि जो बीत गया. टुडे मतलब प्रेजेंट, टुडे मतलब होता है प्रेजेंट, आज की बात. फिर आता है यस्टरडे यानी कि जो कल का दिन बीत चुका है, यानी कि हमारा पास्ट टेंस, कल जो हो चुका है या कल के पहले जो बीत चुका है, वो कोई भी घटना हो, कोई भी एक्शन हो, वो हमारा पास्ट टेंस में जाएगी. अब आज हो गया, बीता हुआ कल हो गया, अब आने वाला कल यानी कि फ्यूचर टेंस. ठीक है, यानी कि नेक्स्ट डे, आने वाला, टुमारो. ठीक है, उसमें जो एक्शन होने वाला है, कल या परसों या इन फ्यूचर में, कभी भी कोई भी एक्शन होने वाला है, तो वो किस में बनेगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा. आई होप आपको पहले ही इस समझ में, आपको समझना बहुत जरूरी है कि टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं, हमारा प्रेजेंट जो आज है, करंट जो पास्ट जो हमारा बीत चुका है यस्टरडे, और यानी कि फ्यूचर जो हमारा कल आने वाला है, यानी कि हमारा टुमारो. ठीक है, तो जो एक्शन होता है, जो करेंटली गोइंग, जो अभी चल रहा है, रिसेंट में अभी चल रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो हो चुका है वो पास्ट में, और जो होने वाला है वो फ्यूचर में. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. रिया सिंग्स, रिया गाना गाती है, रिया गाना गाती है, ये हमारा प्रेजेंट में है, वो आज गाना गाती, गाना गाई नहीं, वो गाना गाती है, ये एक्शन होता है, हो रहा है और होता है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा. ठीक है,
sang. रिया ने गाना गाया, रिया रिया ने गाया, ठीक है, गायने की गा चुकी है, पास में कोई चीज हो चुकी है, तो यानी कि रिया sang. फिर आएगा फ्यूचर, रिया विल सिंग, रिया गाना गाएगी, रिया गाना गाएगी, ठीक है. अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ मैंने यहाँ पे सिंग लिखा है, सिंग के साथ एस लगा दिया, यहाँ पे मैंने sang लिख दिया, यहाँ पे मैंने will लगा दिया, यहाँ पे मैंने sing लिख दिया. आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि तीनों में अलग अलग सेंटेंस कैसे हैं. ये इन्हीं सेंटेंस को, ये सेंटेंस किस पे बेस हुए, हमारे टेंस पे बेस हुए हैं, यानी कि काल पे. कोई चीज हो रही है, होती है, तो वो प्रेजेंट में इस तरह से फ्रेम होगी, कोई हो चुकी है तो वो उस तरह से फ्रेम होगी, कोई होने वाली है तो वो इस तरह से फ्रेम होगी. सब में वर्ब का खेल है ये सारा जो सेंटेंस में, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें वर्ब का यूज करना है, और जो हम वर्ब यूज करते हैं, जो क्रिया यूज करते हैं, वो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. कौन सा टेंस है उसके हिसाब से आपकी वर्ब लगती है. आप एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलेंगी, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, करंट में कोई चीज चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या हो जाएगा, करंट में, यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है. अब यहाँ पे आई एम, आई के साथ मैंने एम लगाया है, ठीक है. उसी तरीके जो चीजें पास्ट में हो जाती है, तो वहां पे वो जो एम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो वर्ब वहां पे चेंज हो जाती है, और फ्यूचर में भी वो वर्ब चेंज हो जाएगी. तो देखिए मैं यहाँ पे वर्ब भी लिखी हुई है आपको ऑलरेडी नीचे, जैसे प्रेजेंट में आपकी इज एम आर जाती है, हैज हैव आती है, ठीक है, पास्ट में आपकी वॉज वर हैड आएगा, फ्यूचर में आपका शैल बी शैल हैव विल हैव. अब आप मेरे से क्वेश्चन करो कि मैम कहाँ पे इज लगाएं, कहाँ पे एम लगाएं, कहाँ पे वॉज वर लगेगा, कहाँ पे हमारा विल शैल लगेगा, ये काफी कंफ्यूजिंग है. ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा जब आपको बिल्कुल डीप में जाके एक टेंस पढ़ाऊंगी मैं, कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, केवल आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा. जब आपको मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी, केवल पास्ट टेंस, तब आपको पास्ट टेंस समझ में आएगा. लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू जानना है कि टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अच्छा, सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा क्या बोलते हैं, हमारा प्रेजेंट में, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में. अगर हम वर्ब को देखें तो वर्ब से पहचान जाएंगे, हमें वर्ब ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें अगर इज एम आर लग रहा है, हैज हैव लग रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट में जा रहा है. अगर हमारा वॉज है, वर है, हैड है, तो ये हमारा पास्ट में जाएगा. अगर विल है, शैल है, विल हैव बीन, शैल हैव है, तो ये सारी चीजें फ्यूचर में जाएंगी. पहले तो आपको सबसे बड़ी चीज है, आपको आपको वर्ब याद रखनी पड़ेगी. वर्ब भी कैसे लगती है, किसके अकॉर्डिंग लगती है आपके, वो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है. सब्जेक्ट हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट आपके नाउन है, प्रोनाउन है, किसमें कौन सा सिंगुलर आपके नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है. जैसे ही शी इट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका ये जो ही शी इट है, ये आपका किसमें आता है, सिंगुलर में आता है, ठीक है. इसके अलावा आपका आई वी यू दे, आई वी यू दे किसमें आएगा, आपका प्लूरल में आएगा. तो सब में अलग अलग आपकी वर्ब लगती है. पहले तो आपको वर्ब देखना है कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब है. अगर आ रहा है कि यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तो यू आर आ रहा है, यू आर प्लेइंग तुम खेल रहे हो, तो आर देख के आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है. अगर मैं उसी जगह बोल दूं यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग कर दूं, ठीक है, या ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा है. देखिए ही के साथ मैंने वॉज लगाया. मैंने आपसे बोला ना, सारा ये जो गेम है ये वर्ब का आपको समझना है, कि सिंगुलर के साथ हमारा वॉज जाएगा, प्लूरल के साथ हमारा वर्ब जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है. तो आप समझ जाओगे कि वॉज वर आया है सेंटेंस में, तो हमारा पास्ट टेंस है. फिर अगर आपको शैल बी या शैल बी, विल बी, शैल हैव, ये सब चीजें दिखाई दे रही है सेंटेंस में, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है. अच्छा, एक चीज और समझाना चाहती हूँ मैं आपको. जो लोग जिनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए है ये चीज. जैसे कहीं आपको हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए इंग्लिश में अगर आपको है, तो आपको इज एम आर समझ में देख के आ रहा है. अगर सेंटेंस आपका हिंदी में है और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तब आप कैसे देखेंगे, तब आपको उसके सेंटेंस पे ध्यान देना है कि वो जो एक्शन है वो क्या कह रहा है, कब परफॉर्म हुआ है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर हर से चीजें आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी प्रेजेंट में आएंगी. अब जैसे था, मैं गया था, मैंने ये खाना खाया, जब आपको चीजें इसमें समझ में आए कि हाँ वो था ही में आ रहा है, तो आपका ये पास्ट टेंस में आएगा. ये बहुत एक बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, शायद इससे आपको हेल्प हो जाए. और जैसे कि फ्यूचर में वहां जाऊंगा, वो कल वहां जाएगी,
हमारी मीटिंग कल वहां होगी, स्कूल हमारे तब से खुलेंगे। यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है? गा का यूज हो रहा है, गा गी गे, गा का गी के आगे का, यानी जब आप फ्यूचर में कोई सेंटेंस बोलते हो हिंदी में तो आप गागी का यूज करते हो, अगर आप कोई पास में कोई सेंटेंस बोलते हो हिंदी में तो आप था का यूज करते हो, ठीक है? गया था, गई थी, गए थे, और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे बताया कि हा का यूज होता है, हो रहे हैं, गाती है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको एक समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रेजेंट है, हो रहा है, कोई करंट चीज होती है या हो रही है तो प्रेजेंट में है, कोई चीज हो गया, हो चुका तो वो हमारा पास्ट में जाएगा, कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है आगे इन फ्यूचर में तो वो हमारा प्रेजेंट में जाएगी, फ्यूचर में जाएगी, और उसी के हिसाब से हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उसमें आपको हम पर्टिकुलर पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसमें इन वर्ब्स का यूज होगा आपका कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब जाएगी। अब उसके भी पार्ट है, मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहिए, हमारे जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी आपके चार पार्ट है, ठीक है, इसमें भी आपको चार पार्ट पढ़ने हैं, और पास में भी आपको फोर पार्ट पढ़ने हैं, और फ्यूचर में भी आपको फोर पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, 4, 8, 12, आपको ऑलमोस्ट पूरा आपको 12 तरह के आपको टेंस पढ़ने हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मिला के, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब जाएगी, कहाँ पे क्या चीजें लगानी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगी और इसके चारों पार्ट को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, फिलहाल के लिए अभी ये इतना इनफ है। आपने इसमें देखा कि कैसे टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैंने आपको बताया हिंदी में पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं, अगर प्रेजेंट में, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हा है ये आएगा, अगर था की आ रहा है तो आप समझ जाइए पास्ट में है, अगर गागी ये आ रहा है तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर में, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वर्ब देख के चीजें समझनी है कि किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब हो रही है, मेन वर्ब कौन सी हो रही है, किसके साथ कौन सी वर्ब लग रही है, सारी चीजें आपको समझनी है। अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं आपको एग्जांपल छोटा सा बता दे रही हूँ कि रिया क्या है, एक गर्ल है, यानी कि सिंगुलर वो है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या है हमारा प्रेजेंट डेफिनिट है, इसमें वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है, लेकिन जब ये आपका जो नाउन है ये सिंगुलर होगा तब, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तब, अगर यहाँ पे हम प्लूरल होता, अगर यहाँ पे यू होता तो यू के साथ यहाँ पे यू सिंग आता, एस नहीं लगाते। तो यही बेसिक की चीजें जो आपको समझनी है। पास्ट में क्या होता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट सिंपल की, तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, एस ईएस का कोई यूज नहीं है, इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, इसमें क्या लगता है विल और हैव का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की भी फॉर्म होती है जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, जैसे सिंग सैंग संग है, राइट की होती है राइट है, रोट है राइट है, ईट की होती है ईट एट ईटन होती है, ठीक है। तो ये सारी आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेंगी, और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, इनको भी आपको समझना पड़ेगा किस टेंस के किस पार्ट के साथ क्या जाने लगे, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज होने की भी आपको जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगी आराम से, पहले प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाऊंगी इसके चारों पार्ट, फिर आपको पास्ट पढ़ाऊंगी इसके चारों टाइप, और इसके बाद में आपको फ्यूचर पढ़ाऊंगी इसके फोर टाइप। तो अभी आप लोग ये बेसिक चीजें समझिए कि टेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, केवल टेंस का एक ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रेजेंट के टेंस के पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, ओके। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच।